चेन्नई टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। चेन्नई टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। भारत ने एक मरतबा फिर साबित किया कि एक बेहतरीन टीम है। इंडिया ने फर्स्ट सेशन में ही बांग्लादेश को 234 पर ऑल बुक कर दिया और 280 से ये मैच अपने नाम कर लिया। सर, ये वही बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे वाइट वॉश करके गई थी और ये बड़ा तिड़ रहे थे कि इंडिया को जाकर इंडिया के होम ग्राउंड पर हराएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ इंडिया ने अपने सामने टिकने ही नहीं दिया। ये बांग्लादेश हमें 565 मार के गया, जो इंडिया का भाई खेल भी नहीं रहा, जो टिक भी नहीं रहा सही इतना, जिसको शुमन गिल ने, अश्विन ने, जडेजा ने, ऋषभ पंत ने बजा दिया पकड़ के, मतलब हिलने भी नहीं दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फेंटा है। हम पाकिस्तानियों की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि भाई इंडिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो जलील हो। हाँ। पर नहीं होते, उल्टा हम जलील हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई बांग्लादेश ने हमें हराया, बांग्लादेश जाके इंडिया के, इंडिया के घर घुस के उनको हरा के आएगा। और थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई शकीब और शांतु के, और फिर जैसे शकीब आउट हुआ फिर तो चल तू चल, तो मैं आया साइकिल स्टैंड की तरह, विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। भाई पाकिस्तान को 10 विकेट से हराने वाली बांग्लादेश को इंडिया ने चौथे दिन के पहले सेशन में 280 रन के बड़े मार्जिन से हरा के रख के डिजर्व करते थे जी जीतने के लिए। पहली बात, बहुत फर्क है टीमों में। अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से जो फर्क नजर आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया के क्रिकेट में और बांग्लादेश के क्रिकेट में ये फर्क। हेलो दोस्तों, आज इंडिया ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट के चौथे दिन ही ऑल आउट करके 280 रन से बुरी तरह हराया है। वैसे तो यह मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच हो रहा था, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों के भी काफ़ी इंटरेस्ट था और उसकी बड़ी वजह ये रही कि जिस तरह से आप जानते हैं कि यही बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान के ही घर के अंदर घुस के उसको व्हाइट वॉश किया था, उसको बुरी तरह से हराया था पाकिस्तान को, जिसके बाद बांग्लादेश का कैप्टन ने यह बयान भी दिया था कि हम भारत में आकर भी भारत को हराएंगे, जिस पर कई पाकिस्तानी इस बात से थे खुश थे कि बांग्लादेश इंडिया को इंडिया के अंदर ही हराएगा। और उसकी बड़ी वजह ये भी थी, आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के बाद इन दिनों जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में आपस में प्यार बढ़ रहा है और जिस तरह से बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की जो चीफ है यूनुस और उसके साथी लगातार भारत के खिलाफ बातें और पाकिस्तान से मोहब्बत की बातें किए जा रहे हैं और पाकिस्तानियों की तरफ से भी बांग्लादेश के लिए भर भर के प्यार उमड़ रहा है, तो ऐसे में कई पाकिस्तानी ये भी सोच रहे थे बांग्लादेश इंडिया के अंदर इंडिया को के हराएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान का सपना चकनाचूर किया बल्कि बांग्लादेश के घमंड को भी तोड़ दिया है। लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार दो टेस्ट मैच हरा के आई थी, जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एक इनिंग को 465 पर डिक्लेयर कर दिया था कि बस इस पे हम दो बार फारिग कर देंगे बांग्लादेश को, और वहां पर बांग्लादेश ने पलट कर वार की और पाकिस्तान को नाको चले चुपवाए। अब वही बांग्लादेश की टीम है, एक दो हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। पूरे टेस्ट मैच में कहीं बांग्लादेश नजर नहीं आई, पूरे के पूरे टेस्ट मैच में। अब देखिए, हम लोगों ने जहन में बना रखा था कि यार बांग्लादेशी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, अश्वन ने देखे, अश्वन और जडेजा ने क्या किया, मतलब एक बार लड़खड़ाया भारत, सिर्फ एक बार पूरे टेस्ट मैच में। वो शुरू के जो दो सेशन थे वो बांग्लादेश के नाम रहे थे, वो भी कंप्लीट उनके नाम नहीं रहे हैं, मतलब उसमें वो नजर आए कि मैच खेलने आए हैं। अदरवाइज कहीं पर भी ये होता है, इसे बोलते हैं रूथलेस क्रिकेट, कि आपके सामने जब कोई टीम आ जाए और आपके हम पल्ला ना हो तो आपने उनको खड़े नहीं होने देना, आपने उनको सांस नहीं लेने देना, कहीं पर उनके जहन में हल्का सा भी ये गुमान ना आए कि हम कुछ कर सकते। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे, क्योंकि वो एक गुमान में थे पाकिस्तान को हराने के बाद और उनको लगा कि भारत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4-5 दिन टिक पाए भारत के सामने। सोचा था आज संडे का दिन है, बड़े मजे के साथ पॉपकॉर्न लेके या फिर नाश्ते की टेबल पर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, लेकिन इंडिया ने फर्स्ट सेशन में ही बांग्लादेश को 234 पर ऑल बुक कर दिया और 280 से ये मैच अपने नाम कर लिया। सर, ये वही बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे वाइट वॉश करके गई थी और ये बड़ा तिड़ रहे थे कि इंडिया को जाकर इंडिया के होम ग्राउंड पर हराएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ इंडिया ने अपने सामने टिकने ही नहीं दिया। बांग्लादेश की टीम हमें इंडिया के सामने जो बेबस नजर आई है। जी बिल्कुल, अच्छा ये बड़ा एक्सपेक्टेड था, इंडिया होम पे पिछले 15 सालों में कोई सीरीज नहीं हारा, एक दो टेस्ट मैचेस हारा है, एक इंग्लैंड से, एक साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद भी जब वो कमबैक करते हैं तो हमने देखा है कि होम के ऊपर इंडिया इस टाइम जो है इनविंसिबल है, पिछले 15 सालों में नंबर वन टेस्ट टीम भी है और होम के ऊपर तो हारते नहीं, तो रिजल्ट बड़ा एक्सपेक्टेड था पहले दिन, बल्कि 150 पे 6 आउट जब इंडिया के हुए, उसके बाद अगर आप देखें तो उनके जो दो स्पिनर्स हैं मेन, उनमें से अश्विन ने सेंचुरी की, जडेजा ने 86 किया, तो उन दोनों ने वहाँ से उनको लेके चले और इंडिया ने सिर्फ वापसी नहीं की बल्कि इस तरह वापसी की कि
सेकेंड इनिंग्स उन्होंने 287/4 डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद उन्होंने आज जो है चौथे दिन पहले सेशन में, कल बारिश होती रही, आज उन्होंने पहले सेशन में उनको ऑल आउट कर दिया और कोई तकरीबन 280 रन से जो है मैच जीत लिया। तो इंडिया जो है होम पे इस टाइम जो है हिस्ट्री में इतनी अच्छी शायद कोई टीम होम पे ना हो, जो पिछले 13 सालों से हम इंडिया को देख रहे हैं। ट्रैक्स इस तरह के होते हैं, फिर जडेजा अश्विन जो स्पिनर्स हैं, और स्पिनर्स के अलावा उनका जो पेस अटैक है, सिराज नहीं अभी खेले, शामी नहीं खेले, तो इंडिया की अभी जो कंपैरिजन पाकिस्तान से करना आई थिंक हर स्पोर्ट में, हर वे ऑफ लाइफ में और इवन क्रिकेट में आई थिंक थोड़ा सा अनरीजनेबल होगा। इस टाइम वो टीम इन टर्म्स ऑफ टैलेंट हमारे से बहुत बेहतर है और होम पे तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। हम तो होम पे पिछले 3 सालों से सीरीज ही नहीं जीते। जी ऐसा ही है, शुरू में बेसिकली बांग्लादेश ने पहला दिन तो बहुत अच्छा खेला था, उन्होंने काफ़ी विकेट्स भी ले ली थी, उनका टॉप ऑर्डर आउट कर दिया था, लेकिन फिर अश्विन और जडेजा की जो पार्टनरशिप है, क्रिकेट सारी मोमेंटम की गेम है, तो वो मोमेंटम सारा इंडिया की तरफ चला गया, तो उसके बाद बांग्लादेश का चांस बहुत कम था। अश्विन के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने सेंचुरी भी की है और 6 विकेट्स भी ली हैं। जी उनका होम ग्राउंड है चेन्नई, तो आई थिंक उनको स्लो एंड लो पिचेस सूट करती हैं। आई थिंक वो प्रोफेशनल्स हैं, उनका जो प्लेयर पूल है वो बहुत बड़ा है, हर प्लेयर को पता है कि उसके पीछे 3 प्लेयर्स लगे हुए हैं, तो अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो वो बाहर हो जाएगा टीम से। अभी जैसे मोहम्मद सिराज, उसकी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं रही पहली इनिंग्स में, तो ऑब्वियसली पीछे इतने सारे बॉलर्स हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, तो वो अपना एफर्ट लगाएगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज का मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, जिस तरीके से आपने देखा ना, इंडियन हर प्लेयर अपना हाथ आजमा रहा है, हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा ना कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या हुआ, पूरे 11 के 11 वो खेलने आए। आपने देखा ना आज ऋषभ पंत और शुभमन गिल की मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले ऋषभ से भी पहले शुभमन गिल, उस बंदे के बैट से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, रन्स नहीं उगल रहे थे, आज उस बंदे ने साबित कर दिया कि वाहिद वो क्यों अहमदाबाद के प्रिंस है। विराट कोहली की रिप्लेसमेंट क्यों देखा जा रहा है उस बंदे के अंदर, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर गेम अवेयरनेस है, इसी वजह से उसके अंदर विराट कोहली जैसे महान बड़े बैट्समैन का रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है। पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को, मतलब हम सबको पता तो था कि ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीतना है। ये जो बांग्लादेशियों ने मेरे घंटे के जो पाकिस्तान को घर में फेल किए थे ना, ये सोच रहे थे कि यार इंडिया को भी हरा देंगे, इंडिया को भी उसी तरह हराएंगे, 565 रन जिस तरह पाकिस्तान को मारा था इंडिया को भी मारेंगे और चले जाएंगे। बेटा इंडिया ने इनको 4 दिन में पकड़ के बजा दिया, पहली इनिंग में 149 पे, दूसरी इनिंग में भी 250 पे लुढ़का दिया इनको इंडिया ने कर दिया, और ऐसा किया कि भाई इनके अब्बे भी याद रखेंगे, इनके अब्बे भी याद रखेंगे। वो शांतु इनका कप्तान हुआ बांग्लादेश का, कहता था ना और कहता था ना कि भाई इंडिया को 2-0 पेलेंगे, इंडिया को घर में पेलेंगे। बेटा तू कौन सी इलाके से आया हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं, इंग्लैंड वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं, उन्होंने कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, उन्होंने कभी सीरीज नहीं जीती, तू पुत्र किस खेत की बोली है मुझे बता दे। नहीं, इंग्लैंड वाले बड़ी बातें करके गए हुए हैं, जैस वाले पकड़ के बजा दिया था, ऑस्ट्रेलिया वाले आए हैं वो बड़ी बातें करके गए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना टमकाना, कुछ भी नहीं करिया उन्होंने। इंडिया की जो डोमिनेशन अपने घर के ऊपर है, जो कि किसी टीम को अपने करीब नहीं भटकने देती, 17 कंसेक्यूटिव सीरीज में इंडिया पिछले 12.5 सालों से।